काम आती, ये तकदीरें और तदबीरें, जो हो शौके यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। अभी तक पूरा नहीं हुआ, बस एक घोड़े की मालिश बाकी है। वो कुछ नहीं, हम इंतजार नहीं करेंगे। अगर काम पूरा नहीं हुआ तो बापू नाराज होंगे। माँ। हाँ बापू। अरे मालकिन, पाए लागू छोटी मालकिन। आप हमारे पैर में छुआ कर दोनों काका, हमें अच्छा नहीं लगता। मालकिन ये तो सदियों से चली आ रही रीत है, ठाकुर खानदान के पैरों को छूकर जीना ही हमारा हमारा धर्म है, भाग है हमारा। होगा, हमें अच्छा नहीं लगता तो नहीं लगता। खैर वो बात छोड़ो, हम भीमा को ले जा रहे हैं खेलने के लिए। लेकिन एक घोड़े की मालिश अभी बाकी है। वो हम नहीं जानते, आप इसे कहो ना दिनु काका। देखो बेटे, मालकिन का हुक्म मानना ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। तुम बाकी का काम मैं कर लूंगा। अच्छा बापू, तुम जाओ। ये हुई ना बात, चल भीमा। जैसे बादल संग पवन, जैसे धरती संग गगन, हो चले संग संग साथिया, हो साथिया, हम दुहरे पर संग चले।
छोटी मालकिन? कुछ नहीं, कांटा चुभ गया। नहीं, मैं निकाल देता हूँ। ये आपकी पायल कहाँ गई छोटी मालकिन? पायल? अरे लगता है कहीं गिर गई होगी रास्ते में। कहीं गिर गई या तूने चुरा ली? इसीलिए पिताजी कहते हैं छोटे लोगों के साथ खेलना नहीं चाहिए। हाँ। पायल कहीं गिर गई है भैया, बीमा कभी चुरा नहीं सकता। आप इन गरीब हरामजादों को नहीं जानती मालकिन। चुपचाप पायल लौटा दे वरना मार पड़ेगी। मैं सच कहता हूँ छोटे मालिक, मैंने पायल नहीं चुराई। अबे जल्दी बता दे, अगर छोटे मालिक का हाथ उठ गया तो तेरी खाल की पायल बना देंगे। बोल कहाँ पायल? तू आ सोनम। छोटे मालिक मैं तुम्हें नहीं करूँगा। अबे अबे, अबे तू मालिक पे हाथ उठाता है, शर्म नहीं आती? चल चल तू बड़े मालिक के पास चल, आज तेरी खैर नहीं। हिमा, मुनीम जी, हिमा क्या हुआ तुझे, क्या किया है तूने? मैं सच कहता हूँ बापू, मैंने पायल नहीं चुराई। मैं भी कहती हूँ तूने कहा भीमा ने पायल नहीं चुराई। गौरी सोनम को अंदर ले जाओ। नहीं बीमा चोर नहीं है, मैं नहीं जाऊंगी। पापा बीमा चोर नहीं है, पापा भी... तुम्हारी सात पुश्तें इस हवेली का नमक खाकर पली हैं दीनू, ये बात तुमने अपने बेटे से नहीं बताई? भीमा जानता है मालिक। जानता है तो फिर इसने हिम्मत क्यों की? सरकार भीमा चोर नहीं है, वैसे आप कह रहे हैं तो सब सच ही होगा मालिक। हम चोरी की नहीं उस नमक हरामी की बात कर रहे हैं जो इसने छोटे ठाकुर पर हाथ उठाकर की। इस बार इसे माफ कर दिया जाए मालिक, दोबारा कभी ऐसा पाप नहीं करेगा। पाप का बदला सजा होती है दीनू, माफी नहीं। राज बहादुर इसे 25 हंटर मारिए ताकि 25 साल तक दोबारा ऐसा पाप करने की जुर्रत ना कर सके। वाले वाले आ, आ, अरे पगले हमारा जीवन तो मालिकों की सेवा करने के लिए है, उनकी तरफ आंख उठाना भी पाप है और तूने हाथ उठा दिया। छोटे मालिक ने छोटी मालकिन को धक्का दिया, हमसे रहा नहीं गया बापू। जीना है तो एक आदत डाल सहन करने की। पर बापू मालिक कुछ भी करे हम सहते रहे, ऐसा क्यों है बापू? क्योंकि बेटे मालिक ने हमें पैदा होने से पहले ही गुलाम बना लिया। हमारे दादा बाप मैं तू सब 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 मालिक के हाथों बिके हुए हैं। हमारी जिंदगी का हर पल हर सांस उन्हीं की जागीर है, उनका हर हुक्म मानना, उनके लिए जान देना यही तो हमारा धर्म है। अरे दिनो सुनो। जी। कल मालिक माधोपुर के जंगल में शिकार खेलने जाएंगे, तुम्हारे लिए हुक्म है कि अभी वहां जाकर शिकार का पूरा इंतजाम कराओ। अभी? हाँ हाँ अभी। जी अब तुझे ही अपना ध्यान रखना होगा बेटे, मैं मालिक के शिकार का इंतजाम करके लौट आऊंगा। छोटी मालकिन बेटे रो भीमा, हम तुम्हारे लिए दवा लाए हैं।
बहुत दर्द हो रहा है क्या? दर्द तो था छोटी मालकिन, लेकिन आपने दवा लगाई इसीलिए दर्द दूर हो गया। हम अब कभी छोटे मालिक पर हाथ नहीं उठाएंगे, बल्कि मालिक के लिए जान दे देंगे। पर हमारे ऊपर चोरी का इल्जाम आया। रो मत बीमा, चुप हो जा। 80 बोरी चावल गोदाम में भेज दिया। बेटा आप कहाँ गए थे? जी वो बीमा के जख्म पर दवा लगाने। उस 2 टके के नौकर के लिए इतनी हमदर्दी? मुनीम जी। जी मालिक। लगता है हमारा लाड़ प्यार हमारी बेटी को नरम दिल बना रहा है। इसका यहाँ रहना ठीक नहीं, इसे कल ही हमारी बहन के पास लंदन भेज दीजिए। अब ये वहीं पड़ेगी। अरे छोटी मालकिन की पायल मिल गई। राम काका, छोटी मालकिन की पायल मिल गई, कहाँ है वो? वो तो चली गई। कहाँ? मालिक ने बहुत दूर भेज दिया पढ़ने के लिए। कितनी देर हुई? अभी अभी गई है मोटर में। बाबू को सांप ने काट लिया है, वो मर रहा है। बेटे सांप ने काट लिया, तू मालिक को बुला ला, जा तू मालिक को बुला ला। मालिक आ गए दीनू, मालिक आ गए। मालिक आपके दर्शन हो गए, मौत आसान हो गई और रोग सुधर गया। जितनी सेवा लिखी थी उतनी कर ली। अब ये मालिक मरते वक्त मेरे बापू ने जिस तरह मैं इसे आपके हवाले करता। मुनीम जी। जी मालिक। इसका अंतिम संस्कार करा दो और जो खर्चा आए इसके खाते में डालकर भीमा से अंगूठा लगवा लो। जी हुजूर। अब इसके अंतिम संस्कार का खर्चा आएगा पंडित लकड़ी 20 रुपए, है ना? अंतिम संस्कार का खर्चा ₹20। ये ले रहे भीमा, अंगूठा लगा। सरकार 6 महीने का पूरा हिसाब आ गया, जंगल की कटाई और किसानों के कर्ज का ब्याज मिलाकर पूरे 5 लाख हो गए। मुनीम जी। जी। 50,000 रुपया उन्हें और दे दो। जी। हम चाहते हैं इस इलाके का हर आदमी हमारे कर्ज में डूब जाए। जैसा हुक्म सरकार। डैडी ये भागता नहीं है। भीमा। जी मालिक। छोटे मालिक का घोड़ा दौड़ा। अच्छा मालिक।
आजा, थोड़ा पानी पी ले। अरे ओ बीमा। जी जी मुनीम जी। देखो गाड़ी तैयार करना, मालिक शहर जाएंगे। हाँ मुनीम जी, आप मालिक से छोटी मालकिन के बारे में कुछ कह रहे थे। हाँ लंदन में है वो, इस बार फर्स्ट क्लास में पास हुई है। हाँ। कब आएंगी? राम जाने कब आएगी, काफी पढ़ाई बाकी है, अभी देर लगेगी। तुम गाड़ी निकालो। बीमा चलो शहर चलो। जी मालिक। आप यहाँ तशरीफ नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि सरकार तन्हाई में मुजरा सुनना पसंद करते हैं। हम किसी सरकार की पसंद के गुलाम नहीं, मुजरा सुनने आए हैं और हर कीमत पर सुनेंगे। कौन है ये बदतमीज जो राय बहादुर दौलत सिंह के सामने कीमत की बात कर रहा है? हमें लोग शमशेर सिंह के नाम से पुकारते हैं। इस शहर में पुलिस से लेकर बदमाश तक सिर्फ हमारे ठेके की शराब पीते हैं, और बदतमीज कहने वाले को हम इस तरह तमीज सिखाते हैं। मालिक पर हाथ उठाता है, मालिक पर हाथ उठाता है, मालिक पर हाथ उठाता है, मालिक पर हाथ उठाता है। सर जैन कमांग ये मुन्ना है सर, चोरी सजा 4 साल। मंगलू सर दहेज के लिए पत्नी की हत्या उम्र कैद। एंथनी सर डकैती सजा 7 साल। और ये बीमा कत्ल सजा 3 साल। कत्ल सजा से 3 साल? एक्सीडेंट से मरा साहब, हादसे से मौत हो गई। इरफान जी साहब इन्हें कपड़े दिलाओ। चलो अबे यार साले हाथों में दम नहीं क्या? सुन सुन, जेल में खाने मिलता तुझे?
गुरुजी, जेल का खाना दम कम करता है, दम बढ़ाता नहीं। अच्छा गुरु, लगता है साले के बुरे दिन आ गए। हाँ लगता तो है, मैं समझा कर आता। ले गया। अबे ओ, अगर तुम अपनी हड्डी पसली का सुरमा नहीं बनवाना चाहते तो उठकर हमारे गुरुजी की सेवा शुरू कर दो। अबे उठ। तेरी तो क्यों बे? सुना नहीं बाप ने क्या कहा? चप्पूस घूरता क्या है? जाओ सुनो। सलाम साहब। बीमा तुम भी जाओ। हर सख्त चीज को पतला कर देता हूं। तुम्हारी पायल है ना, झगड़े में गिर गए थे, संभाल के रखो। ठीक तो है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन पिताजी कहाँ हैं? वो किसी जरूरी मीटिंग में फंस गए, इसलिए मुझे भेज दिया। घर पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, आओ चलें। चलो। सोनम, तुम्हारा ये पायल पहनने का शौक विदेश में रहकर भी नहीं गया? विदेश में रहने का ये मतलब थोड़ी है कि लोग अपना शौक बदल दे भैया। फिर भी क्या हुआ? एक्सीडेंट हो गया साहब। अरे गाड़ी जल्दी बताओ। ये क्या कर रहे हो? गाड़ी रोको। अरे सोनम, ये क्या कर रही हो? भागना होता तो गाड़ी नहीं रोकते। बातें बनाने से अच्छा कि नहीं किसी डॉक्टर के पास ले चले। आइए माँ जी। घबराने की कोई बात नहीं है, हड्डी पे मार नहीं लगी है। मैं कुछ दवाइयाँ लिख के दे रहा हूँ, आप इन्हें बराबर देते रहिएगा। जी क्या एक घंटा हो गया फ्लाइट आए हुए? जी धन्यवाद मालिक, एयरपोर्ट वाले कह रहे सारे पैसेंजर जा चुके हैं। अरे तो फिर सोनम बेटी अब तक क्यों नहीं आई? पिताजी। बेटा बेटी तू कहाँ रह गई थी, हम परेशान हो गए थे। ये इनकी मेहरबानी है, एक बुढ़िया गाड़ी से टकरा गई, ये मैडम उसे हॉस्पिटल ले गई।
एक हजार रुपए दिया, घर छोड़ा तब आई। अरे ये क्या बचपना है भाई? पिताजी आप इंसानियत को बचपना कहते हैं? बड़े शहरों में ऐसी इंसानियत बेवकूफी कहलाती है। वो तो भले लोग मिल गए, वरना ड्राइवर के साथ साथ हमारी भी पिटाई हो जाती। लेकिन राज ठीक कह रहा है बेटे। हेलो, आजकल गरीब गरीब नहीं बदतमीज हो गए हैं। मौका ढूंढते हैं अमीरों पर भड़ास निकालने का। मालिक आपके लिए फोन है। हेलो, यस हाँ बोल रहा हूँ। भैया गांव का आदमी यहाँ कोई नजर नहीं आ रहा है। गांव की किसी भी चीज के साथ अब हमारा कोई नाता नहीं। वहां की जमीन जायदाद सब कुछ बेच दिया डैडी ने। इसका मतलब है भीमा भी गांव में ही होगा। ओके मुनीम जी, आप सोनम होटल पहुंचिए और बनवारी से कहिए कि हम अभी पहुंचते हैं। सोनम होटल? हाँ बेटे, सोनम होटल, सोनम मिल्स, सोनम इंडस्ट्रीज, हम अपना हर बिजनेस तुम्हारे नाम से करते हैं। यू आर माई लकी चार्म। ओ डैडी। सब तैयारी हो गई बनवारी सेठ? थारे का इंतजाम तो चकाचक लागे सर मुंडा के, पर वो किटे हैं जिसके वास्ते ये इंतजाम है? वो तो घर से निकल चुके हैं, आते ही होंगे। मुनीम जी। जी। मैं तय के मालिक का पार्टनर हूँ एक साल से। जी। वो टाइम पे आ जाए, मैं कभी ऐसा देखा नहीं सर मुंडा के। आपने देखा ही क्या है साहब, 30 साल गुजारे हैं मालिक के साथ मैंने। अजी वो तो जमींदारी को गवर्नमेंट की नजर खा गई, वरना बड़े बड़े सरकारी अफसर मालिक के देवड़ी पर दो दो दिन इंतजार किया करते थे। हाँ सर मुंडा के। ओलो आ गए जी। नमस्कार सर जी। नमस्ते। वेलकम 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 टू इंडिया, वेलकम टू सोनम होटल एंड बर्थडे हैप्पी सर मुंडा के। बेटे ये बनवारी लाल जी हैं। मैं थारे का पार्टनर चाय चुवन्नी का सही सर मुंडा के। सोनम फैक्ट्री, सोनम इंडस्ट्री, सोनम शुगर फैक्ट्री, मैं थारे के नाम पर धंधा तो ढेर करूं, पर थारे के साथ मुलाकात आज पहली बार हुई। अब तो हिंदुस्तान आ गई है, मुलाकात होती रहेगी बनवारी लाल जी। बढ़िया बढ़िया। हैप्पी बर्थडे सोनम जी। ये मेरा है सगा भाई, शक्ल से सुतेला लागे। हाउ डू यू डू? नमस्ते। हाउ डू यू डू? विदेश जाने का ई मतलब है कि विदेश के रंग में घुस जाए। सोनम जी को देखो, विदेश में रहने के बावजूद हिंदुस्तान की संस्कृति, हिंदुस्तान के नियम नहीं भूली सर मुंडा के। आपने सही कहा, वहां रहकर भी मैं यहाँ की कोई चीज नहीं भूली। तब तो थारे को जरूर कोई हिंदुस्तानी गीत आता होगा। जी हाँ भाई, जन्मदिन की खुशी में क्यों मेरे भाइयों? हाँ, हाँ, हाँ छोटी मालकिन हो जाए। प्लीज सोनम जी प्लीज।
जैसे तन के संग ये मन, जैसे मन के संग धड़कन, जैसे धड़कन संग जीवन, तेरे संग हम साथिया, साथिया, हम तुम हर पल संग चले। साहब मैं बोलूं, ओए हरगा ठाकुर किथे है? वो ऊपर अपनी फुलझड़ी के साथ है कमरे में। अरे मैं बोलूं जल्दी से उसको निच्चू बुला ले, नहीं तो फुलझड़ी के जगह बैठे है, 50 लाख की दिवाली जल जाएगी सर मुड़ा के। क्या हुआ क्या? अरे हुआ क्या सर मुड़ा के, जल्दी से बुला ले ठाकुर। हटिए भी, हम आपसे नहीं बोलेंगे। क्यों? आपने कहा था ना मुझे फ्लैट देंगे, कार देंगे। फ्लैट की डेकोरेशन हो रही है और कार बुक हो चुकी है डार्लिंग। सच? कहाँ पे लिया, मुझे बताया क्यों नहीं? हम जिसे पसंद करते हैं उसके लिए हर चीज अपनी पसंद की लेते हैं। कौन? मुनीम हूँ सरकार, बनवारी से इंतजार कर रहे हैं, कह रहे हैं कुछ जरूरी काम है। ये तो अटक गया है, ये फुलझड़ी बहुत खराब काम कर रहे हैं। अरे छोड़ दो, आ जाओ। तुझे कितनी बार कहा है बनवारी की हम संडे के दिन काम नहीं करते? ठाकुर साहब आज संडे का दिन नहीं है, सत्यानाशी का दिन है, और वैसे भी जब मुसीबत आवे है तो दिन और तारीख देख के ना आवे, भर भर के आवे, भर भर के। क्यों क्या हुआ? वो जो अपना 50 लाख का माल उतरा था ना समुंदर के किनारे, वो पकड़ा गया है। पकड़ा गया? किसने पकड़ा? जग्गू ने। जग्गू? कौन जग्गू? इस इलाके का बहुत बड़ा दादा हुआ है, वो मेरे को बोला अगर उसे 2 लाख रुपए ना मिला तो वो माल को ना जाने देगा। जबरदस्ती है क्या? उसको पुलिस के हवाले कर दो। ठाकुर साहब तुमने की है जिंदगी भर जमींदारी, ये कोई गांव नहीं है जहाँ पर दरोगा तुम्हारे हुक्म का पालन करे, वो भी दुम हिला के। और वैसे भी स्मगलिंग के मामले में पुलिस को ना डाले तो बेहतर है, अगर पुलिस को डाले तो हम दोनों को सीधा जेल में डाले, वो भी सर मुंडा के। मैं बोलूं तो 2 लाख रुपए देते, वरना अपन को 50 लाख की चेपी लग जाएगी ठाकुर साहब सर मुंडा के। अबे ओ रोमियो, तेरा वो ठाकुर माल लेके कब आएगा? मेरा भाई खुद उसे लेने गया है। अच्छा, ए लंबे बाल वाले आ गए हो? दादा जग्गू दादा। तो तुम हो जग्गू दादा? भोगट की बातों में मेरा टाइम खराब मत करो सेठ, मेरा नाम और काम इसने बता दिया होगा। मेरे ही गोडाउन में मुझी पर धांस जमा रहे हो? गोडाउन तुम्हारा है लेकिन इलाका मेरा है, और इस इलाके में 2 नंबर का जितना भी माल उतरता है उसमें मेरा कमीशन जरूर होता है। ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई थी? ये तो जेल में सड़ रहा था, मुझे क्या पता था छूट जाएगा सर मुंडा के। जेल जग्गू के लिए रेलवे स्टेशन की तरह है, जहां ट्रेन थोड़ी देर के लिए रुकती है और निकल जाती है। तुम स्मगलिंग के धंधे में नए नए उतरे हो सेठ, और अगर यहां माल उतरवाना है तो हमें कमीशन देकर हमसे दोस्ती करके उतरवाना होगा, वरना। ठीक है ठीक है, धमकी देने की जरूरत नहीं है। मुनीम जी, जी? रुपए दे दो। जी मालिक, ये लो। ये हुई ना बात, अब अगली इंस्टॉलमेंट अपने आप पहुंच जानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ और दोबारा मुझे यहां आना पड़ा तो कमीशन के साथ साथ माल भी उठाकर ले जाऊंगा, समझे? चलो। ये तो एक नया खाता खुल गया सर मुंडा के। मुनीम जी। जी मालिक। इस जग्गू दादा के नाम अपने बही खाते में 2 लाख रुपया कर्जा लिख दो। कर्जा? इससे तो मैं 2 लाख की जगह 4 लाख वसूल करूंगा। वो कैसे सर मुड़ा के? मुनीम जी, भीमा जेल से कब छूट रहा है? भीमा? अरे मुनीम जी, मालिक कैसे हैं? मालिक अच्छे हैं, तुम्हें लेने के लिए भेजा है, देखा तुम्हारा कितना ख्याल करते हैं। मालिक तो हमारे भगवान हैं, वो ख्याल नहीं करेंगे तो कौन करेगा। और सब ठीक ठाक है ना? छोटी मालकिन विदेश से आ गई? हाँ हाँ, विदेश से आ गई, जरा गांव घूमने गई है, 2-4 दिन में लौट आएगी। कब छूटेगा भीमा ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन सुना था उसे 3 साल की सजा हुई है। इसका मतलब है उसे आने में 3-4 महीने और लग जाएंगे। हाँ छोटी मालकिन,
लेकिन हमें बहुत खुशी हुई कि आपको बचपन की सब बातें याद हैं। इन्हीं यादों के सहारे तो पल के बड़ी हुई हूँ। परदेश में इन यादों के सिवा मेरा था ही कौन। मौसी, भीमा मुझे याद करता था? याद? उसका बस चलता तो आपके नाम की माला जपता रहता। जब भी फुर्सत मिलती मेरे पास आ जाता और घंटों आपकी बातें किया करता। वो जो आपकी पायल थी ना, वो जो गुम हो गई थी, जिसके लिए भीमा को बहुत मार पड़ी थी, वो भीमा को मिल गई थी। हर वक्त अपनी जेब में लगाए रखता है, कहता है कि छोटी मालकिन की अमानत है, अपने हाथों से लौटाऊंगा। तुम तो सिर्फ पायल लौटाना चाहते हो भीमा, हम तो अपना सब कुछ तुम पर लुटा देना चाहते हैं। पायल को मालिक। भीमा, एक बदमाश हमसे 2 लाख रुपया जबरदस्ती छीन कर ले गया है, तुम्हें उसका दुगना वसूल करना है। हो जाएगा मालिक। और हम चाहते हैं कि वो बदमाश हमारे पांव पर गिरकर जिंदगी की भीख मांगे। मांगेगा मालिक। ठीक है तो मुनीम जी, भीमा को जग्गू के पास ले जाओ। छोटे भाई, सब पार्टियों को ये खबर कर दी है ना कि जग्गू दादा का टैक्स देना है? हाँ बड़े भाई। फिर भी छोटे भाई, समंदर के किनारे पूरी नजर रखना, क्योंकि हमारा टैक्स दिए बिना किसी भी पार्टी का माल उतरना नहीं चाहिए। फिक्र मत करो बड़े भाई, अपुन के आदमियों ने चप्पे चप्पे पर नजर रखी हुई है। तो? नहीं मैं नहीं, ये कौन है बे तू? भीमा नाम है हमारा। मालिक ने इसे मेरे साथ भेजा है। किस लिए भेजा है? तुम्हें 2 काम करना है। एक, तुमने मालिक से जो पैसे लिए उसका दुगना वापस करना। 2, मालिक के रास्ते पर ना कोई गड़बड़ करने का वचन देते हुए उनसे माफी मांगना। 2 काम हम जरूर करेंगे। 1, तुम्हारे मालिक ने जितना पैसा हमें दिया है उसका 4 गुना उससे और लेंगे। 2, तुम्हारी हड्डी पसली तोड़कर यहां से भेजेंगे। छोटे भाई। हाँ बड़े भाई। मालिक के इस चमचे को कम से कम 1 महीना अस्पताल में रहना चाहिए। हमारा नाम ठाकुर दौलत सिंह है जग्गू। अगर हमने भीमा को हुक्म ना दिया होता तो तुम यहां जिंदा नहीं मुर्दा आते। मुझे माफ कर दीजिए ठाकुर साहब, आज के बाद मैं आपके माल पर कभी हाथ नहीं डालूंगा। तुम्हारी बेहतरी भी इसी में है, तुम जा सकते हो। पैसे मालिक। वाह ठाकुर साहब वाह, मुझे तो विश्वास ही ना हो गया कि अकेला
जग्गू दादा को उठा लाया सर उठा के। वाह बनवारी, भीमा हमारा खरीदा हुआ नहीं पाला हुआ गुलाम है। यह हमारे लिए जान दे सकता है, जान ले सकता है। समझ गया समझ गया। भीमा 50 लाख के माल से भरा हुआ ट्रक दूसरे शहर पहुंचाना है, ये काम तुम करोगे। याद रहे कि माल हिफाजत से दूसरे शहर पहुंच जाए। पहुंच जाएगा मालिक। मुनीम जी। जी मालिक। भीमा को ट्रक के ड्राइवर से मिलवा दो। जी अच्छा चलो। ठाकुर साहब मुझे ये आदमी नहीं अलादीन का वो के बोले जिन आ गया, अगर मेरे पास हो ना तो मैं इससे घिस घिस के लखपति बन जाऊं सर मिटा के। बनवारी हमारे साथ दोस्ती रखोगे तो लखपति नहीं करोड़पति बन जाओगे। हाँ करोड़पति से मेरे को याद आया कि हम लोगों को अपनी नई मिल में जाना है, मजदूर लोग इंतजार कर रहे होंगे, सर मुड़ा के चले चलो। हाँ जिंदाबाद। जगन भैया सेठ तो बड़ा आकड़ू लगता है। आइए ठाकुर साहब आइए। ठाकुर साहब ये है मिस्टर चैटर्जी यहाँ के चार्टर्ड अकाउंटेंट। नमस्ते। मिस्टर भटनागर यहाँ के जनरल मैनेजर। नमस्कार। मिस्टर रंगा स्वामी यहाँ के लीगल एडवाइजर। और ये ठाकुर दौलत सिंह है यहाँ के नए मालिक, और ये उनके बेटे हैं सरवण वाके। आप सब पढ़े लिखे लोग हैं इसलिए कम लफ्जों में मतलब की बात करना पसंद करूंगा, तशरीफ रखिए। आइए आइए मैं भी बैठ लूं। बैठ गया। हमारे तजुर्बे ने हमें एक ही चीज सिखाई है कि किसी भी काम के लिए डिसिप्लिन अनुशासन बहुत जरूरी है। कुमार बाबू आ गए। आइए कुमार बाबू। नमस्कार। ये है हमारे मिल के नए मालिक। नमस्कार। और ये है इनके बेटे हैं। तय कैसे जा रहे हैं सर? इनका अंदाज बता रहा है कि मालिक के बेटे ही हो सकते हैं। ये कौन है? ये हमारे मिल मजदूरों के नेता है। देश के नेता नहीं है, मिल के नेता है। बैठ जाइए आप लोग। सेठ जी हमारा नाम राय बहादुर दौलत सिंह है और हमारे नौकर लोग हमें ठाकुर साहब के नाम से मुखातिब करते हैं। घर में काम करने वाले को नौकर कहा जाता है सेठ जी, मिल में काम करने वाले को मजदूर कहकर मुखातिब किया जाता है। गधे को घोड़ा कहने से गधे की जात नहीं बदल जाती। हम इस मिल के मालिक हैं, यहाँ काम करने वाला हर इंसान हमारा नौकर है, और जिस नौकर के दिल में मालिक का डर ना हो उस नौकर की इस मिल में कोई जगह नहीं है। मुझे पता चल चुका है कि आप खानदानी जमींदार हैं, मिल चलाने का आपको कोई तजुर्बा नहीं। मेरा मशवरा मानिए, अपने विचार बदल डालिए वरना एक दिन आपका मिल बंद भी हो सकता है। दो टके के नौकर हमें मशवरा देता है? सेठ ने कुमार बाबू के मुंह पर तमाचा मारा क्या? तमाचा कुमार भैया को? हम सेठ का हाथ तोड़ देंगे। जब तक सेठ माफी नहीं मांगेंगे हम काम नहीं करेंगे। क्या बक रहे हैं आप? वो दो टके के मजदूर जो हमारे टुकड़ों पर पलते हैं, हम राय बहादुर दौलत सिंह उनके कहने पर माफी मांगे? हम उन्हें गोलियों से भून देंगे, बुलडोजर चला देंगे उनकी गंदी बस्तियों पर। पिता ये ठीक कहते हैं, आखिर उनकी औकात ही क्या है? नाराज क्यों हो रहे हैं? क्या सिचुएशन को समझ नहीं रहे? वो जमाने लग गए जब आदमी होता था नौकर और मालिक होता था उसका अंदाता। आज मजदूर और मालिक के भाई भाई के नारे लग रहे हैं देश में सर मंडवा के। देश और नारेबाजी से ना तो कभी हमें मतलब रहा है और ना रहेगा। हम हमेशा अपनी शान और मर्जी से जिए हैं और जीते रहेंगे। मेरे हिसाब से 10-20 गुंडे भिजवा कर दो चार के सर तुड़वा दिए जाए तो सब ठीक हो जाएगा। अरे चुप्पे, तय अपना हिसाब अपने पास रख सर मंडवा के। हमेशा कॉलेज में फेल हुआ है, पैसे दे दे के तय को पास करवाया मन ने। मेरे प्यारे प्यारे बेवकूफ भाई, आज का वक्त हिसाब का नहीं है, सोच और समझ का है। अगर राय सामने माफी ना मांगी तो मजदूर लोग हड़ताल कर देंगे और मिल बंद हो जाएगी सर मुड़वा के। और हाँ, तैन जो तमाचा मारा उस लीडर के गाल पे अपने ऑफिस में, उसकी आवाज गूंजेगी पार्लियामेंट में। सरकार का प्रेशर, मिल मालिकों का प्रेशर तय को मजबूर कर देगा झुकने के लिए सर मुड़वा के। ये ठीक कह रहे हैं पिताजी, आजकल सारी दुनिया ने छोटे बड़े के फर्क को भुला दिया है। लंदन और अमेरिका में आपके घर में काम करने वाला नौकर एतवार के दिन आपके साथ क्लब में खाता है पीता है, सोसाइटी में बराबर का दर्जा है उसका। हम इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम ये मिल ही बंद कर देंगे। उससे क्या होगा,
कोई भी बिजनेस करेंगे उसमें नौकर तो रखना ही पड़ेगा। मेरा ख्याल है तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो, जाओ। ठाकुर साहब, तैने छोरी की आवाज तो दबा दी लेकिन बात का बजट बाकी है। मिल बंद करने का मतलब है 5 करोड़ जो लगाया वो तो गया खड्डे में, और 1 करोड़ का जो प्रॉफिट है ना वो गया पानी में। मालिक, मैं कुछ बोलना नहीं चाहूं, मैं हुक्म का गुलाम हूं, लेकिन समय की पुकार अब यही कहती है कि आप उस कागज पर अंगूठा लगा ही दीजिए। आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम माफी चाहते हैं। सेठ जी, मजदूरों ने जिद पकड़ ली थी वरना हड़ताल के तो मैं भी खिलाफ। ये माफी मांगने आए थे या गाली देने? ये भी कोई ढंग हुआ माफी मांगने का? जब तक ठीक से माफी नहीं मांगेंगे हम लोग काम पर नहीं जाएंगे। गलत बात, वो मिल के मालिक हैं, ये क्या कम है कि वो मजदूर एकता के सामने आके झुक गए, यहां आके माफी मांग ली? अब हमारा फर्ज बनता है कि हम अपनी मेहनत और ईमानदारी से उनका दिल जीतने की कोशिश करें ताकि वो हमें अपने भाइयों और बच्चों की तरह समझें। चलो मुंह मत देखो, चलो चलो काम पर चलो, चलो भाई बहुत हो गया, काम पर चलो। नमस्ते। नमस्ते। कुमार साहब का घर यही है? हाँ, मैं उनकी पत्नी हूँ। आप? मैं सोनम हूँ। ओ, सेठ जी की बेटी हो ना तुम? जी, ये मिठाई का डब्बा। ये किस खुशी में? क्योंकि आप एक समझदार इंसान की पत्नी हैं, इस खुशी में। सोनम, वो भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा नहीं। मेरी पत्नी मुझे एक निखट्टू और बेवकूफ पति समझती है। क्यों जी? निखट्टू तो मैं नहीं जानती हूँ, पर बेवकूफ आप जरूर है। क्या, वरना मुझसे शादी क्यों करते? अरे जब मैंने शादी की थी सारा मोहल्ला गश खा गया था, क्या लड़की से शादी की है? बैठो। हाँ, चलो चलो। अरे आप नहीं। हाँ, तुम बैठो। ये लो मिठाई। क्या इसमें? अब आप भी बैठ जाइए। बोलो सोनम, कैसे आना हुआ? पिताजी ने आप पर हाथ उठाया, उसकी माफी मांगने आई हूँ। अरे वो तो पहले ही माफी मांग चुकी है, इसके लिए आने की क्या जरूरत थी? जिस तरह उन्होंने माफी मांगी, आपकी जगह कोई और होता तो कभी स्ट्राइक नहीं खुलवाता। मैं तो पहले स्ट्राइक नहीं करवाना चाहता था। देखो, स्ट्राइक से मालिक का तो सिर्फ पैसों से नुकसान होता है, मगर मजदूर के घर में तो चूल्हा नहीं चलता, रोटियों के लाले पड़ जाते हैं। और फिर मालिक और मजदूर का रिश्ता तो बाप और बेटे का रिश्ता है। बाप को बेटों का ख्याल रखना चाहिए और बेटों को बाप की इज्जत करनी चाहिए, बस इतनी सी तो बात है। काश मेरे पिताजी इन बातों को समझ सकते। मालिक भीमा, तुम्हें हमारा एक काम करना होगा जिसका पता किसी को नहीं लगना चाहिए। सर कट जाएगा, सुबान नहीं खुलेगी, मालिक की सौगंध। इस आदमी का खून करना होगा। मालिक का हुक्म सर आंखों पर। कुमार नाम है इसका, धारावी की बस्ती में रहता है। इतना याद रखना, जितने दिन ये जिंदा रहेगा उतनी मुट्ठी खून हमारे शरीर का जलता रहेगा। क्या भीमा शहर में वापस आ गया है? हाँ भाई, और हमारे आदमी उस पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। उसने मेरे भाई को बिल्डिंग से नीचे फेंक दिया और उसने अस्पताल में दम तोड़ दिया। जब तक हम भीमा को भगवान के घर ना पहुंचा दें, हम चैन से नहीं बैठेंगे।
ये लो हल्दी वाला दूध है, पी लो, जल्दी ठीक हो जाओगे। शुक्रिया। क्या नाम है तुम्हारा? जी भीमा। वो लोग कौन थे जो तुम्हें मारना चाहते थे? मेरे मेरे मालिक के दुश्मन। मालिक? जी वो मेरे भगवान है, उन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। और कौन है तुम्हारा? बापू था, जब मैं छोटा था तभी चल बचा। एक साथी है, बचपन में बिछड़ा, अभी तक नहीं मिला। क्या हो गया? अरे तुम्हें तो तेज बुखार है, तुम यही रहो, मैं अभी डॉक्टर बुला कर लाती हूँ। नहीं। खतरे की तो कोई बात नहीं है ना डॉक्टर साहब? खतरा तो नहीं है, लेकिन एहतियात बहुत जरूरी है। मैं कुछ दवाइयाँ लिख रहा हूँ, कीमती हैं, लेकिन इनके लिए बहुत जरूरी है। कितने रुपए तक आ जाएंगी? यही करीबन 300 रुपए लग जाएंगे। अच्छा मैं चलता हूँ। शुक्र है भगवान का, आज अब जल्दी आ गए। हाँ एक है हमारी पत्नी जिसका प्यार हमें काम खत्म होने तक। इस आदमी का खून करना होगा। ये कौन है? ये मेरा छोटा भाई है। तुम्हारा छोटा भाई? ये कब पैदा हुआ? ये क्या हुआ इसे? ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगी, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने ये दवाइयाँ लिख कर दी, आप जल्दी जाकर ले आओ। ये दवाई तो बहुत महंगी है। मालूम है, ये ले जाओ। एक बात कहूं? यू आर ग्रेट। आप ही की पत्नी हूँ। हाँ हाँ, यानी कि मैं भी ग्रेट हूँ। क्या जग्गू ने भीमा को मारने की कोशिश की? उसे अपने किए की सजा मिल जाएगी, पुलिस ने उसे रंगे हाथों पकड़ा है, इस बार तो लंबी लगेगी। लेकिन मालिक एक बात अच्छी हो गई, कुमार की पत्नी ने भीमा को बचाया, वो उसे अपने घर भी ले गई। बड़ी बदनसीब है बेचारी, अपने सुहाग की मौत को खुद ही अपने घर ले गई। देखा क्या? इसे तो बहुत ज्यादा बुखार है, तप रहा है। लेट जाओ, लेट जाओ। तुम जाके सो जाओ, मैं इसके पास बैठता हूं। घबराओ नहीं। सो जाओ, सो जाओ ना, सोने की कोशिश करो। शाबाश।
भाई माफ करना, आज सब लोगों को बाहर ही बैठना होगा। वो तुम्हारी भाभी का भाई बीमार है, अंदर आराम कर रहा है। कुमार भैया, घर की छत टपक रही है और बरसात भी आने वाली है, अगर आप मुझे एक 2000 रुपया एडवांस दिला दे तो। पागल हो गया कृष्णा, एडवांस लेगा तो हर महीने तकलीफ होगी, थोड़ी ज्यादा मेहनत कर, कल से मैं ओवर टाइम लगवा देता हूँ, खर्चा भी नहीं चढ़ेगा, तेरा काम भी हो जाएगा। बड़ी मेहरबानी भैया। भैया मेरी बीवी को बच्चा होने वाला है, मैं चाहता हूँ कि उसे उसकी माँ के पास गाँव छोड़ाऊँ। ये कौन सा बच्चा है मोहम्मद? सिर्फ दूसरा है भैया। इसके बाद? इसके बाद बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं भैया। अच्छा चल, तुझे सुपरवाइजर से बात कर लूंगा। अरे मेरी, तेरा काम तो हो गया, मैंने शर्मा जी से बात कर ली है, तू उनके इंस्टीट्यूट में जाकर टाइपिंग और शॉर्टहैंड सीख ले, 40 से ऊपर की स्पीड बना के ना, तभी तेरी नौकरी लगवाऊंगा। थैंक यू भैया। हाँ नमस्ते, सबका काम हो गया ना, चलो राम राम, खुदा हाफिज भाई, खुदा हाफिज। जाग गए तुम, कैसी तबीयत है? ठीक हूँ, मेरी वजह से आप लोगों को बहुत तकलीफ हुई। अरे तकलीफ किस बात की, वो कहावत है ना, वो सारी खुदाई एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ, नहीं? ओह तुमसे मिला नहीं ना, इसलिए गुस्सा खा रहा है। आजा 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 भाई भीमा, ये हमारा बेटा है बिट्टू, चल 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 मामा नमस्ते कर, चल। शाबाश। नमस्ते, दोस्ती करोगे? चलो आज से हम लोग दोस्त हैं। बहुत प्यारा बच्चा है। ओफो, बहुत हो गई ये, लो दूध पी लो। भैया भैया, म्युनिसिपैलिटी वाले सारी बस्ती में नोटिस लगा रहे हैं खाली करवाने के लिए। अरे तू परेशान क्यों होता है, हम लोग वकील से बात कर चुके हैं, लगाने देना नोटिस, हम लोग अभी जाकर कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले आते हैं, तुम भी का ख्याल रखो, हम भी आते हैं। आ बेटा। ये तो बहुत अच्छा आदमी है, मैं मालिक से कहूंगा इसे नहीं मानना चाहिए। अरे अगर तू मालिक का बताया हुआ काम नहीं करेगा तो मालिक तेरा खून पी जाएंगे, इसीलिए तो मालिक से मिलना चाहते हैं। अरे मालिक दिल्ली गए हुए हैं, वो दिवाली वही मनाएंगे। ठीक है, आप मालिक से कह दीजिएगा कि उनसे बात किए बिना मैं ये काम नहीं करूंगा। अच्छा ठीक है, मैं कह दूंगा, तू जा। जयराम जी की। ए, मुनीम जी, छोटी मालकिन गांव से वापस आ गई? अरे क्या तू बार बार पूछता रहता है, छोटी मालकिन छोटी मालकिन, अब वो बड़ी हो गई है, अब वो बच्ची नहीं रही जो तुम्हारे साथ खेला करती थी, अब तेरे साथ वो बात भी नहीं करेंगी। नमस्ते भाभी जी। अरे सोनम, आओ आओ, दिवाली मुबारक हो। तुम्हें भी। ये हाँ उधर। कुमार भैया कहाँ हैं? गए हैं दूसरी पत्नी के पास। दूसरी पत्नी? ये बस्ती तो है उनकी दूसरी पत्नी, चाहे होली हो, दिवाली हो, ईद हो, सुबह से निकल जाते हैं और हर घर में झांकते हैं, सबके पास नए कपड़े, दिए, पटाखे, मिठाई, किसी चीज की कमी तो नहीं। ये तो उनकी ग्रेटनेस है, लेकिन आपने दिवाली के दिन ये क्या हालत बना रखी है? त्योहार है ना, घर की सफाई तो करनी चाहिए। असली बात ये है कि दर्जी अभी तक नए कपड़े सीकर नहीं लाया। बीबी जी कपड़े? हाँ मैं ले आती हूँ। अच्छा लाओ। थैंक यू। अरे वाह, बड़े अच्छे कपड़े बनाए कुमार भैया ने। ए, ये तुम्हारे कुमार भैया के नहीं है, ये मेरे भाई के हैं। आपके भैया के? हाँ। लेकिन आपने तो कहा था कि कुमार भैया और आपका कोई रिश्तेदारी नहीं है। जिस दिन मैंने तुम्हें ये बताया था ना, शायद भगवान ने सुन लिया होगा, उसके दूसरे दिन ही एक लंबा चौड़ा हट्टा खट्टा भाई भेज दिया मेरे लिए। वो जो आपकी पायल थी ना, वो भीमा को मिल गई थी, हर वक्त अपनी जेब में लगाए रखता है, कहता है कि छोटी मालकिन की अमानत है, अपने हाथों से लौटाऊंगा। भाभी, ये पायल शायद मेरे भाई की है, बिस्तर तो उसी का है, लेकिन इतनी छोटी पायल। क्या आपके भाई का नाम भीमा है? हाँ। अरे तुम्हें कैसे मालूम? अगर आपके भाई का नाम भीमा है और अगर ये पायल उसी की है तो समझ लीजिए ये दिवाली मेरी जिंदगी की सबसे कीमती दिवाली है। जल्दी आओ, देखो तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, कपड़े, पटाखे, मिठाई, सब कुछ। अरे ये सब छोड़, देख तो कौन आया है, पहचाना?
छोटी मालकिन। भीमा तुम लोग बातें करो, मैं हाँ मैं तैयार होकर आती हूँ। आप कितनी बड़ी हो गई छोटी मालकिन। तुम भी तो बड़े हो गए हो। आप वो आप ठीक तो है ना? विदेश जाके भीमा को तो भूल गई होंगी। मैं तुम्हें तुमसे ज्यादा याद करती थी। तुम्हारे पास तो मौसी थी जिनसे तुम मेरे बारे में बात कर लिया करते थे, लेकिन मेरे पास तो मेरा दिल ही था, या तुम्हारे गीत के वो बोल जो तुम बचपन में मेरे लिए गाया करते थे। आपको वो गीत याद है? गीत धुन इस पायल की वजह से तुम्हारा मार खाना, हमें हर बात याद है भीमा, हर बात। हमें यकीन था आप हमें भूलेंगी नहीं, इसलिए पायल हमने संभाल कर रखी थी। ये पायल हमने चुराई नहीं थी, आपके पैर से गिर गई थी, पर अच्छा हुआ यह गिर गई थी। इसकी वजह से हमें कभी ऐसा नहीं लगा कि आप हमसे दूर हैं। मैं ना कभी तुमसे दूर थी और ना कभी दूर रहूंगी भीमा। छोटी मालकिन मैं तुम्हारे लिए बचपन में थी, होश संभालने के बाद मेरे दिल ने तुम्हें अपना मालिक माना है। ये आप क्या कह रही हैं? मैं जानती हूँ तुम्हें ये बात कहने की हिम्मत नहीं है, लेकिन मैं ऐसी हिम्मत के सारे बड़ी हुई हूँ भीमा। छोटी मालकिन नहीं सोनम, मुझे मेरे नाम से पुकारो भीमा। छोटी मालकिन ये हम तुम्हें हमारी सौगंध तोड़ दोगे क्या? ये आप क्या कह रही हैं? हम दुनिया छोड़ सकते हैं, आपकी सौगंध तो क्या सपने में भी दिया हुआ आपका हुक्म नहीं तोड़ सकते। तो फिर हमें हमारे नाम से पुकारो भीमा। मैं बोलो ना भीमा, हमारे कान तुम्हारे मुंह से अपना नाम सुनने के लिए बेकरार हो रहे हैं। बोलो 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 सोनम, फिर से बोलो भीमा। सोनम फिर से सोनम।
कितने दिन दूर रहे, कितने मजबूर रहे, भूला न दिल उसका नाम, याद रोज आती रही, दिल को तड़पाती रही, दिल है उसी का गुलाम। कितने दिन दूर रहे, कितने मजबूर रहे, भूला न दिल उसका नाम, याद रोज आती रही, दिल को तड़पाती रही, दिल है उसी का गुलाम। जीते रहे उसके लिए, उसके लिए दे देंगे जान। एक तो जन्म क्या इस प्यार पर, तो सौ सौ जन्म है निसार, जीना उसी का जीना है जीना, जिसको करे कोई प्यार। प्यार मिला तो जाना है जीने, जाना पहली बार, जीना उसी का जीना है जीना, जिसको करे कोई प्यार। जिंदगी है प्यार भरी, प्यार पे है दुनिया टिकी, दुनिया में सब कुछ है प्यार, दिल में बसे प्यार जहां, वही तो है स्वर्ग यहां, जीवन है हस्ती वहां। जिंदगी है प्यार भरी, प्यार पे है दुनिया टिकी, दुनिया में सब कुछ है प्यार, जीवन है हस्ती बहार। प्यार दुआ, प्यार करम, प्यार खुदा, प्यार सनम, प्यार मेरा। चाहत की खुशबू दिल में ना हो तो जीना यहाँ बेकार, जिसको करे कोई प्यार, जिसको करे कोई प्यार। क्या उस हरामखोर ने हमारा हुक्म मानने से इनकार कर दिया? इनकार नहीं मालिक, काम करने से पहले वो आपसे कुछ बात करना चाहता है। हम जानते हैं वो क्या चाहता है। जब तक घोड़े की लगाम और भीमा जैसे गुलाम की खाल न खींची जाए, वो काबू में नहीं रहते। उस हराम खोर को हमारे सामने पेश किया जाए। अरे भीमा। अरे मुनीम जी। मालिक वापस आ गए, तुम्हें जल्दी फार्मास पे बुलाया जी। अरे सोच क्या रहे हो, जल्दी चलो आओ। कुमार अब तक जिंदा क्यों है भीमा? मालिक कुमार बाबू बहुत अच्छे आदमी हैं। वो जिंदा क्यों है? मालिक उनकी पत्नी ने हमारी जान बचाई, हमें भाई बनाया। जिंदा क्यों है? मालिक कुमार बाबू सारी बस्ती के लिए देवता हैं, उन्हें मानना ठीक नहीं है मालिक। भीमा दो कौड़ी के गुलाम अपनी औकात भूलकर हमको मशवरा देता है,
हम तुझे अभी सबक सिखाते हैं। रामू, हरिया, बिरजू, बांध दो इस कुत्ते को। मालिक, हमारी मारी इसका भौंकना बंद कराएगी। बांध दो, हमारी बात सुनिए मालिक। मालिक, मालिक, बांध दो, हमारी बात सुनिए मालिक। मालिक, मालिक वो बहुत अच्छे आदमी है मालिक। हमारे सामने दुश्मन की तारीफ करता है गुलाम। मालिक, कान खोल कर सुन ले, कुमार को खत्म किए बगैर अगर तूने मुझे अपनी शक्ल दिखाई तो मैं तुझे गोली मार दूंगा। भीमा, तुम्हारी हालत किसने की भीमा? उठो भीमा, 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 पिताजी आ गए। नहीं, पिताजी, किसी ने भीमा को मार मार के बेहाल कर दिया। तुम्हें यह खबर किसने दी? मैं खुद उसे यहाँ उठाकर लाई हूँ। यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? वो आपका खास आदमी है, आपके लिए जेल तक गया है। तुम जरूरत से ज्यादा बोलने लगी हो सोनम। पिताजी, इंसान अगर कुत्ते बिल्लियों को भी पालता है ना तो उनसे भी लगाव हो जाता है। भीमा तो फिर भी इंसान है, वो इंसान जिसके बाप दादाओं ने आपकी सेवा में अपनी जान तक दे दी, जो हमारे खानदान में एक खानदान के मेंबर की तरह रहा है। जबान को लगाम दो। दो टके के आदमी को हमारे खानदान का मेंबर कहकर तुम इस खानदान की तौहीन कर रही हो। जिसने अपने खून पसीने से आपकी सेवा की हो उसकी तकलीफ पर ध्यान ना देना भी अच्छे खानदान की तौहीन है। काश तुम हमारी बेटी ना होती है, काश हम एक अच्छे बाप की तरह तुम्हें इतना प्यार ना करते तो तुम्हारी जबान खींच लेते। हमारे आगे तुम उस गुलाम का नाम ले रही हो, उसे हमारे सामने लाए बिना तुम घर से धक्के मार मार कर बाहर निकाल दोगी, यह हमारा हुक्म है। और मैं इस हुक्म को मानने से इनकार करती हूँ। आपका दिल पत्थर का हो सकता है, आपको अपने टुकड़ों पर पले हुए गुलाम से नफरत हो सकती है, लेकिन मैं उसे इस हालत में नहीं छोड़ सकती। उसकी सेवा, उसकी भक्ति का नतीजा ये नहीं है पिताजी। इस इनकार को मैं बाप के लाड़ की वजह से पैदा होने वाली बेटी की नादानी समझूं या बगावत? हमदर्दी जो एक इंसान को इंसान के साथ होती है, दोस्ती जो एक बचपन के साथी के साथ होती है, प्यार जो बड़े होने पर एक लड़की लड़के से करने लगती है। हमारे सामने उस नमक हराम के प्यार का दम भर रही हो जिसके बाप दादा हमारी झूठी हड्डियों पर पलते रहे, उस जलील इंसान की बात कर रही हो जो हमारी ठोकरों में जिया है और हमारी ठोकरों में मरेगा? हम उस हरामजादे का नामो निशान मिटा देंगे। पिताजी, रुकिए पिताजी। तुम आज के बाद घर से बाहर नहीं निकलोगी, चलो अंदर। हरामजादा भीमा, उसने हमारी बेटी के दिल में जगह बना ली है, हम उसकी दुनिया खाली कर देंगे। और खुद फांसी के तख्ते पे चढ़ जाओगे सर मुड़वा के। याद है मजदूर को मारा था तो माफी मांगनी पड़ी थी, इसको मारोगे तो कानून से डर कर हम अपनी इज्जत पर कीचड़ नहीं उछलने देंगे बनवारी। इज्जत पर लगने वाले कीचड़ को साफ करने के और भी कई तरीके हैं सर मुड़वा के। Oh.
तू यहाँ क्या कर रहा है? जीजा जी अभी तक घर नहीं पहुंचे क्या? तू घर जाने को कह रहा है ना, लेकिन दीदी इस हालत में देखेगी तो बहुत परेशान हो जाएगी। मैं रातें ही जीजाजी का वफादार है और मैं भी मालिक का वफादार हूं। मेरा मालिक कहता है कि तेरे मालिक को मार डालूं। अब तू ही बता बिट्टू, ऐसे देवता समान आदमी को कौन मार सकता है? तेरे को इसका खून करना है सरमड़वा के। अरे सरमड़वा भी नहीं कर सकता क्या? मजाक मत करो शेरा दादा, ये बहुत सीरियस मामला है। अरे मजाक तो तेरा भाई कर रहा है, अब बताओ किसी का खून करने के लिए सरमड़ाने की क्या जरूरत है? खैर ये है कौन? इसका नाम है कुमार, सोनम मिलके मजदूरों का नेता है सरमड़वा के। अरे फिकर मत करो सेठ, शेरा पैसे के लिए किसी का भी खून कर सकता है, चाहे वो नेता हो या भी नेता। पूरे 1,00,000 रुपए लगेंगे। ये लो 50,000 एडवांस। खून तय करेगा लेकिन कत्ल का इल्जाम और किसी के सर पे होगा सरमड़वा के। वो कैसे? मारने के बाद उसके हाथ में ये पायल थमा देना सरमुंडा के। पूरी बस्ती को अनाथ कर दिया। नाम और पता तो नहीं मालूम, लेकिन उसकी एक निशानी कुमार बाबू के हाथ से जरूर मिली है, ये पायल। लेकिन ये पायल तो हमारी है। इसका मतलब खून तुम्ही ने किया है। नहीं इंस्पेक्टर, ये गुनाह हम कैसे कर सकते हैं? ये हमारे जीजाजी थे,
हमारी दीदी के पति थे। दीदी आपकी सौगंध हमारा यकीन कीजिए, हमने ये खून नहीं किया। मीने, तूने हमारे मजदूर साथियों का सहारा छीना है, हम तुझे जिंदा नहीं यकीन कीजिए, हमने खून नहीं किया। गिरफ्तार कर लो इसे। इंस्पेक्टर नहीं। चाहे तो चले हवाएं
बदले दिन और रात, सूरज चांद सितारे सारे सब चलते ही तेरे इशारे करते हैं तुझको सलाम, सब हैं तेरे गुलाम मालिक मेरे, हो पंप सबके बस एक तेरा ही नाम, सब हैं इस मालिक की बात कर रहे हैं बाबा। वो मालिक जो दुनिया बनाए, हमको जन्म दे हमको जिलाए, सबके लिखे तकदीर, सबके लिखे तकदीर, ये सारा संसार बनाना उसको मिटाना है बस उसका ही काम, सब हैं उसी के गुलाम मालिक मेरे, होठों पे सबके बस एक तेरा ही नाम, सब हैं पर बाबा वो कौन है जो खुद को मेरा मालिक कहता है? होगा कोई मगरूर वो बंदा, अहंकार के नशे में अंधा, एक जालिम इंसान, एक जालिम इंसान, समझ है दीवाना है, तूने किसे मालिक माना है, तू है बड़ा नादान, तू है बड़ा नादान, मालिक तो है ऊपर वाला, मालिक तो है ऊपर वाला, वो सारे जग का सब है उसी के गुलाम, सब है उसी के गुलाम मालिक मेरे, होठों पे सबके बस एक तेरा ही नाम, बस एक तेरा ही नाम, सबका मालिक बस एक तू है, सब हैं तेरे गुलाम, सब हैं तेरे गुलाम, सब हैं तेरे गुलाम।
बाबा, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। मेरे बाप ने जिस मालिक की सेवा में जिंदगी की आखिरी सांस तक लगा दी, बचपन से लेकर आज तक जो मुझसे कठपुतली की तरह खेलता रहा, उस मालिक के सिवा भी कोई मालिक और है यह मैं सोच भी नहीं सकता था। सच्चाई की रोशनी बेटे सिर्फ उस वक्त दिखाई देती है जब वो दिखाता है। काश ये रोशनी मुझे पहले दिखाई दी होती तो मेरी मुंह बोली बहन विधवा ना होती, जीजा जी के खून का झूठा इल्जाम मुझ पर ना लगता। लगता है जमाने ने बहुत गहरे जख्म लगाए हैं तुम पे। मुझे अपने बारे में सब कुछ बता दो, शायद इस फकीर का तजुर्बा तुम्हें राह दिखा सके। हेलो सोनम। भीमा तुम? हाँ सोनम, मैं जिंदा हूँ। तुम कहाँ से बोल रहे हो भीमा? मैं तुमसे अभी मिलना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे घर के पीछे वाले बाग में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। यकीन था भीमा कि भगवान हमारे प्यार को इस तरह मिटा नहीं सकता। उस मालिक की सौगंध जिसने संसार की हर चीज को जन्म दिया है, अगर हम मर भी जाते तो भी हमारी आत्मा हर वक्त तुम्हारे पास ही रहती। ये किसकी सौगंध खाई तुमने? उसकी जो इस संसार के हर मालिक का मालिक है, जिसने इंसान को अपनी गुलामी के लिए जन्म दिया है, किसी इंसान की गुलामी के लिए नहीं। ये तुम कह रहे हो भीमा? हाँ सोनम, इंसानियत की ये रोशनी मुझे एक महापुरुष ने दिखाई है। अब भीमा किसी इंसान का गुलाम नहीं, सिर्फ भगवान का गुलाम है। ओ भीमा, आज मेरी तपस्या पूरी हो गई, भगवान ने मुझे सब कुछ दे दिया, मैं बहुत खुश हूँ भीमा, बहुत खुश। अब मेरी सिर्फ एक और तमन्ना है, वो भी पूरी कर दो। बोलो सोनम। मुझे यहां से कहीं दूर ले चलो भीमा, मैं तुम्हारी इतनी सेवा करना चाहती हूँ, तुम्हें इतना प्यार देना चाहती हूँ कि बचपन से आज तक तुमने जितने भी दुख सहे हैं, गुलामी के जितने जख्म तुम्हारे शरीर पर लगे हैं, मेरे प्यार का मरहम तुम्हारे हर जख्म को भर दे। अपने इस प्यार को मेरा कर्ज समझ कर कुछ दिन और अपने पास रख लो सोनम। इस प्यार को पाने से पहले मुझे अपने ऊपर लगे खून के झूठे इल्जाम को हटाना है। तुम जानते हो उस खून का जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार कौन है मैं अच्छी तरह से जानता हूं, लेकिन उस पर हाथ डालने से पहले मुझे उन हाथों पर हथकड़ी लगवाना होगी जिनकी वजह से मेरी मां जैसी बहन को विधवा का कफन पहनना पड़ा। मेरे स्वर्गीय पति ने जो मांगे रखी थी उनके बारे में आप लोगों ने क्या किया? हमने उन्हें मालिकों तक पहुंचा दिया है, मगर अभी तक जवाब नहीं आया। जवाब हम लाए। पहली मांग थी कि मजदूरों की बस्ती जिस जमीन पर बसी है उसकी कीमत 2 लाख रुपए कोर्ट में जमा करा के बस्ती मजदूरों के नाम करा दी जाए। जी हाँ, मजदूर अपनी तनख्वाह से ये पैसे धीरे धीरे कटवाते रहेंगे, गरीबों का घर बन जाएगा और आपका कर्ज भी चुकता हो जाएगा। ये कर्ज नहीं भीख है, और भीख भिखारियों को दी जाती है। मालिक से हाथ जुड़वा कर माफी मंगवाने वाले मजदूरों को नहीं। ठीक है, आपने अपना जवाब सुना दिया, मजदूर आपस में बात करके आपको अपना जवाब दे देंगे। चलो।
यहां से निकल जाओ। से माफ कर दिया जाए मालिक, दोबारा कभी ऐसा पाप नहीं करेगा। पाप का बदला सजा होती है दीनू, माफी नहीं। और यह तुम्हारे बाप का ही बनाया हुआ कानून है राज बहादुर। ठाकुर दौलत सिंह, अपने लाडले बेटे को फार्म हाउस से उठा लो। ठाकुर, मेरे बेटे को? तुम कौन बोल रहे हो? हेलो 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 हेलो, गॉड, तुम्हारी हालत किसने की मेरे बेटे? भीमा ने। भीमा ने? वो हराम ज्यादा जिंदा है? उसी ने मुझे पीटा और 2,00,000 रुपए भी ले गया। बिट्टू, ये क्या है? दीदी, ये पैसे तुम्हारी नफरत को दूर करने के लिए नहीं, मजदूर भाइयों की जरूरत को पूरा करने के लिए हैं। तुम्हें उस दिन शक्ल दिखाऊंगा जिस दिन जीजाजी का असली कातिल पकड़ा जाएगा। भीमा, भीमा जिंदा है? हाँ भाभी, न सिर्फ जिंदा है बल्कि भीमा ने आज मेरी इज्जत भी बचाई है। उस हत्यारे का नाम मेरे सामने मत लेना कभी। भाभी, मेरा मन नहीं मानता कि कुमार भैया का खून भीमा ने किया हो। तुम्हारा मन इसलिए नहीं मानता क्योंकि उसने तुम्हारी इज्जत बचाई, लेकिन मेरी मेरी तो सारी खुशियां तबाह कर दी। मुझे नफरत है उसके नाम से। भाभी जरा सोचो, अगर उसने ही कुमार भैया का खून किया होता तो वो वापस क्यों आता? जबकि सब उसे मुर्दा समझ रहे थे तो उसे क्या जरूरत थी बताने की कि वो जिंदा है? कुत्ते, तू किसका कुत्ता है? कुत्ता तू है ठाकुर का, ये तो मेरा दोस्त है। तू कौन है बे? तू उस वक्त तक नहीं मर सकता जब तक तू ये नहीं बताता कि कुमार भैया को मारा किसने है। मैंने नहीं मारा। तो कितना बड़ा मर्द है मैं अच्छी तरह जानता हूं। सिर्फ इतना बता दे, किसके जरिए ठाकुर ने कत्ल करवाया? सचमुच मैं नहीं जानता। झूठ मत बोल। तुझे ठाकुर का हर राज मालूम है। ठाकुर रात को जो सपना देखता है वो भी तुझे मालूम है। वो दिन और थे भीमा, आजकल मुनिम जी सिर्फ खाता उठाने के लिए है। खाते के अंदर की बातों का राजदार बनवारी लाल है। अगर मालिक ने ये काम करवाया होगा ना तो जरूर बनवारी लाल जानता होगा। क्या बोला भाया कि भीमा जिंदा है? और उसने राज बहादुर की बहुत पिटाई की। अरे वो तो ठीक है, लेकिन जो 2,00,000 रुपए लेके भागा है ना,
वो बहुत बुरी बात है सरमंड आके। वो पैसा उसने मजदूरों को जमीन दिलवाने के लिए दिया है और ठाकुर साहब बहुत परेशान है, तुम्हें फौरन बुलाया। हाँ मैं आ रहा हूँ, फौरन आ रहा हूँ। नहीं 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 फौरन कैसे आ सकता हूँ, आधे घंटे के बाद आ रहा हूँ। क्या है कि जरा मुझे बाथरूम जाना पड़ेगा सर मुंडा के। अरे भी मैं जिंदा है रे, इधर नहीं रे भीमा। पहले बाथरूम जाओगे या मेरे सवालों का जवाब दोगे? अब बाथरूम जाने का क्या फायदा, तेरा नाम सुन के लग गया था, तैको देख के स्टॉप हो गया, रुक गया सर मुंडा के। मेरे सवालों का ठीक ठीक जवाब नहीं दिया तो रुका हुआ हमेशा के लिए रुक जाएगा। अच्छा पूछो। ये बिट्टू का तुम्हें देखकर तुम पर हमला ना करना, ये साबित करता है कि कुमार भैया के कातिल तुम नहीं हो। अरे बच गया हो। लेकिन बताना है कौन है। अरे मन्ने के पता। अरे पुलिस तो ये क्यों कि मर्डर तय किया सर मुड़ा के। ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत कर बनमारी, सच सच बता ठाकुर ने यह खून किससे करवाया? अरे मुझको मेरे मरे हुए बाप की कसम, मैं सच बोली हूँ, मैं ठाकुर साहब का पार्टनर धंधे में, खून खराबे से तो मेरे बाप दादा का कोई रिश्ता ना रहे हो सर मुंडा के। झूठ बोलता है तू। बोल। अरे मुझे छोड़ दे मेरे बाप। काले कपड़े पहन के, हाथ में कुत्ता पकड़ के, वो क्या बोले, हाँ आदमी फैंटम नहीं बन जाता सर मुड़वा के। अगर मैं तय को अभी गोली मार दूं तो सरकार मुझे गिरफ्तारी की जगह इनाम दे गया वो भी सर मुड़वा के, क्योंकि तेरे सर पे है कुमार के खून का इल्जाम। कहां भाग रहे हैं? जीरो जीरो। अब क्या करोगे, बाहर निकलोगे तो गोली खाओगे, अंदर छुपे रहोगे तो पुलिस डर लेगी। हेलो पुलिस स्टेशन, कुमार के कातिल को मन्ने डर लिया, जल्दी से आ जाओ बनवारी विला बांड्रा। आयो कुत्ता। अरे भागले बनवारी भागले भाग। अरे आ जा आ जा, अरे बिजली का बिल तो भर दियो था। आ जा अरे बिजली कट गई क्या? आ जा आ जा आगे आगे। अरे मर गयो, अरे मर गयो। अरे भैया कहाँ भाग गया रे? अरे अरे लगड़ा हो गया रे। क्या हुआ? अरे भीमा भीमा कहाँ है भीमा? अरे इधर तो था, कहाँ गया? हाँ मैं बोलूँ अंदर को होगा। ये तो कुत्तो है। भीमा कहाँ है? इधर ही तो था। हाँ तय काम कर, तय इस कुत्ते को अंदर डाल लियो। ये कुत्ता साला भीमा का साथी है, फ्रेंड है सर मुड़वा के। पागल हो गए तुम, पुलिस कुत्ते को नहीं पकड़ती। तय काम कर, तय उस कुत्ते को छोड़ दे, तय इस कुत्ते को अंदर डाल ले, नहीं तो भीमा मुझे नहीं छोड़ेगा सर मुड़वा के, बहुत मारेगा। आप डरिए मत, पुलिस आपकी हिफाजत करेगी। चलो तलाश करो। पुलिस जो करेगी सो करेगी, इस भीमे का मुझे कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा और वो भी सर मुड़वा के। बनवारी सेठ, आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है, इसलिए हमने अपने धंधे के भी भाव बढ़ा दिए हैं। 50,000 रुपए किडनैप करने के और 2,00,000 रुपए मर्डर करने के। गुंडे जी, हम लोग ठहरे थारे के पुराने कस्टमर, थोड़ा सा स्टूडेंट कंसेशन तो दे दो सर मुड़वा के। नहीं बनवारी, हम कंसेशन नहीं काम चाहते हैं, तुम्हें मुंह मांगी कीमत दी जाएगी शेरा, मगर हमारी एक शर्त है। कहिए सेठ जी। तुम भीमा को मारोगे नहीं बल्कि उसे पकड़कर हमारे हवाले कर दोगे, ताकि हम अपने बेटे की एक एक चोट का बदला लेकर उसे तड़पा तड़पा कर मार सकें। अब सेठ फौरन बता दो कि वो साला भीमा मिलेगा कहाँ? वो कुमार की बीवी ममता से मिलता रहता है,
अगर तुम ममता को किडनैप कर लो तो वो खुद ब खुद तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। ये तो साला वही कुत्ता है जो कुमार के खून के वक्त था। जल्दी भागो, लोग आ रहे हैं। अभी आ गया, गोली मार दो इसे। नहाने जा रही हूं। तुमने ठीक सुना। हाँ भीमा, उसने बिट्टू को देखकर ये कहा कि ये तो वही कुत्ता है जो कुमार भैया के कत्ल के वक्त उनके साथ था, और बिट्टू भी देखकर उस पर ऐसे झपटा जैसे उन्हें पहचान गया हो। बिट्टू कहाँ है? वो उसी गाड़ी के पीछे भागा है। बिट्टू, क्या वो जीजा जी का कातिल था? तूने उसकी जगह देखी है? चल तू मेरे साथ। मैं भी चलूंगी तुम्हारे। नहीं सोनम, ये खतरों का खेल सिर्फ दो खिलाड़ी खेलेंगे, मैं और बिट्टू। चल।
पढ़ोगी मुझे? दिल की किताबों में कैसी किताबों में पढ़ के तो देखो जरा, दिल नशा बाबों में कैसा शबाबों में हर दिल है मुझ में तेरा, but for just only. तू वो है जिसने मेरी बहन का सुहाग उजाड़ा था। किसकी बात कर रहे हो तुम? वो जिसे तूने एक बेजुबान कुत्ते के सामने मारा था, जिनके हाथों में मेरी पायल मिली थी, जिनके खून का इल्जाम मेरे सर पर है।
बोल, उस देवता समान आदमी को तूने क्यों मारा था? तू मर नहीं सकता, मुझे बताए बगैर तू मर नहीं सकता। बोल शेरा, बोल, बता मेरी बहन को उसके सुहाग का खून किसने किया था? बोल, बोल शेरा। सुहाग का खून मैंने किया था। किसने किया था? तू क्या था? बोल। उसे बनवारी ने और ठाकुर दौलत सिंह ने मुझसे करवाया दे मेरे भाई, माफ कर दे, मैं तुझे गलत समझी थी। क्या बकरे हो बनवारी, एक मामूली गुंडे के बयान पर हमारा वारंट निकाला जाए, किसमें इतनी हिम्मत है? मरते हुए आदमी के बयान पर अदालत फांसी की सजा दे हुए, इससे पहले कि पुलिस हम दोनों को गिरफ्तार कर ले, मैं बोलूं कि यहाँ से भागने में बलाये सर मुंडा के। बनवारी ठीक कह रहा है डैडी, लेकिन हमारी तमाम जायदाद है, सोनम है, तुम हो। ठाकुर साहब मैं बोलूं, तय के जुर्मों की सजा तय के बच्चों को नहीं दी जा सकती सर मुंडा के। दो चार महीने पुलिस की गर्मी रहेगी, उसके बाद मामला ठंडा हो जाएगा। ऐसा करेंगे, अफसरों के खिलाफ मिला के कोई नया रास्ता ढूंढ लेंगे सर मुंडा के। बात में दम है मालिक, समय गुजरने पर बड़े बड़े मामले ठंडे हो जाते हैं, और ये तो एक मामूली मजदूर नेता के खून का मामला है। अगर इस वक्त आप गिरफ्तार हो गए तो बकवास बंद करो। दौलत सिंह जान दे देगा, लेकिन जेल की सलाखों के पीछे हरगिज नहीं जाएगा। ठाकुर साहब मैं थारे को इसीलिए बोल लूं कि घर में जितना कैश और जेवर है वो निकालो और निकल लो। मैंने सारा बंदोबस्त करके रखे हुए है। अपने जो समुन्द्र के किनारे है ना गोडाउन, वहाँ पर दो चार घंटे के बाद लॉन्च आ रही है, उसके बाद क्या करेंगे? रातों रात हिंदुस्तान से बाहर सर मुंडा के। कुत्ता अपने मालिक के खून का हिसाब लेने आया है, और ये बही खाते जो तुमने न जाने कितने बेगुनाहों के खून से भरे हैं, इसका हिसाब कानून को चाहिए। हिसाब मैं देता हूं हिसाब, लेकिन उससे पहले तेरी नमक हरामी और तेरी की हुई गद्दारियों का हिसाब तुझे देना होगा। नमक हराम, भीमा जब तक तुम्हारा गुलाम था उसने तुम्हारे हर जुल्म को सहना अपना कर्तव्य समझा था, लेकिन आज भीमा के सामने उसे नमक खिलाने वाला मालिक नहीं, उसकी बहन को विधवा करने वाला एक हत्यारा खड़ा है। बहन की सुनी मांग भाई से अपनी राखी का कर्ज मांग रही है, और भीमा
उस कर्ज का हिसाब तुमसे लेगा। भीमा, वरना अगर मेरी ये उंगली चल गई तो तेरी ये माशूका मुफ्त में मारी जाएगी। चक्कू? हाँ, जग्गू। और जग्गू जब तक अपने दुश्मनों को अपने कदमों में नहीं झुका लेता, उसे चैन नहीं आता। तेरे हाथों से मेरा छोटा भाई मारा गया कमीने, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन मेरी बेटी को क्यों पकड़ा है? अरे कुत्तों से कुत्तों बच गयो। पहले जग्गू दादा, इस राक्षस को जंजीरों में बनवा दे, मुझे तो इसे बेहोश करके भी डर लगे। बांधो साले को। ठाकर, ता चक्कर में होगा कि चक्कर के है, तो चक्कर ए सर मुंडवा के कि मैं ठहरा धंधे वाला आदमी, तय की झूठी शान और जिद के चक्कर में मैं हो गया पुलिस में वांटेड। तो मैंने सोचा कि तय की और मेरी जो चुवन्नी की पार्टनरशिप है अभी देश में काम नहीं आएगी, तो मैंने तय को माल के साथ भागने के चक्कर में डाल दिया सर मुंडवा के। भीमा जो भीमा सेरा तक पहुंच सकता है, मैंने सोचो कि वो मेरे जैसे कमीने आदमी को इतनी आसानी से ना भागने देगा। तो मेरे को याद आया जग्गू, जग्गू दादा भीमा का पुराना दुश्मन, तो मैंने उसके साथ हाथ मिला लियो। ये थी मेरी राम कथा आप तय की प्यारी प्यारी बिटिया की कहानी। क्या है कि मेरा जो ई नलायक सा भाई है ना, ई ठहरा तय की बिटिया का आसिक। बकवास बंद कर कुत्ते। मुझे मालूम था पिता कुत्ता बोलेगा। मैं कुत्ता, मेरा ये भाई कुत्ता, मेरा बूढ़ा बाप कुत्ता। और मुझे ये भी मालूम था कि तय जैसा ऊंचा खानदानी और पैसे वाला आदमी इतनी आसानी से अपनी बिटिया का हाथ मेरे इस प्यारे से नन्हे नलायक भाई के हाथ में नहीं देगा। तो मैंने सोचो क्यों ना बाप की आंखों के सामने बिटिया की इज्जत का तमाशा देखा जाए। आराम खोर, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। देखा डैडी, ये है आपके नमकलाल दोस्त जो आपकी बेटी का सौदा कर रहे हैं, और एक ही भीमा जिसने हर कदम पर आपके लिए खून बहाया, आपके लिए जान की बाजी लगा दी, और आपने आपने उसको बदले में क्या दिया? हंटरों के निशान, जेल, झूठे कत्ल का इल्जाम। हाँ तो भैया रोमियो, चल ले ले अपने जूलियट से इसके बाप के पापों का हिसाब। चल चला, छोड़ दो मुझे। होश में आओ, हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं। भीमा भीमा भीमा, हमारी बच्ची को बचा लो भीमा, हमारी बच्ची को बचा लो भीमा, भीमा हमारी बच्ची को बचा लो भीमा, भीमा हमारी बच्ची को बचा लो भीमा, हम तुम्हारे पांव पड़ते। Yamala!
ये क्या किया आपने? मुझे बचाने के लिए आपने अपनी जान दे दी। तो जैसे वफादार पर जान कुर्बान करने से शायद वो मालिक जो सबका मालिक है मेरे कुछ गुनाह माफ कर दे। मालिक और गुलाम के खत्म होने वाले इस दौर का तू आखिरी गुलाम है मुझे जो मालिकों का मालिक बनेगा। सोनम बेटा मालिक तो है वो।